हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सईए ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज 10th ऑफ अगस्त है एंड 7th ऑफ सितंबर को आपका नाबार्ड का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। तो अराउंड अगर आप अभी भी देखेंगे तो 25 to 28 days आपके पास हैं, एंड ये इफेक्टिव डेज हैं और ये डेज सफिशियंट हैं अभी भी आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। बट इसके बाद आपके लिए टाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी भी वेट करते हैं, डेफिनेटली वो हर किसी के साथ होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है हमारी प्रिपरेशन वैसे वैसे स्पीड अप होती है। तो अब ये रियल टाइम आ चुका है जब आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्पीड अप करनी है। आप ये देख लीजिए कि नाबार्ड की जॉब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको जितनी इंपॉर्टेंट लगती है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। एक चीज है, बचपन में अक्सर बोली जाती थी ना कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सो सिमिलरली आप ये देखिए, हर एक जो इंपॉर्टेंट या फिर जो हर एक सब्जेक्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसमें सक्सेस दिलाने में हेल्पफुल होगा। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा नाबार्ड के करीब आप रहेंगे। सो देखिए, स्टे पॉजिटिव, अभी भी नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं। कई स्टूडेंट्स कहते हैं ना सर बहुत कम दिन बचे। देखो, दिन तो हमेशा ही कम होते जाएंगे और वो कभी भी नहीं लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया। वो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि जिस दिन हमें लगेगा हमें सब कुछ आता है अब हम एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम के पहले याद कीजिए, लास्ट जो एग्जाम दिया था उसके पहले ऐसा ही लगता है यार याद तो कुछ भी नहीं आ रहा, होगा क्या। बट स्टिल सबका होता है, अच्छे से आपका रिजल्ट आता है। तो आप पॉजिटिव रहना है, वर्क हार्ड कीजिए। पढ़ाई करते टाइम पे कुछ भी प्रिजम्पशन पहले से नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और उसको आपको बनाना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 days का स्टडी प्लान को। और ये सिर्फ स्टडी या स्टडी प्लान नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अभी तक लगभग 25 days पहले से ही हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। 50 days का भी हमने डिस्कस किया था, आपने देखा होगा कि कितना आप फॉलो कर पा रहे हैं। तो स्टिल हर किसी की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो स्टडी प्लान है इसको आप यूज कीजिए एज अ चेकलिस्ट, जैसा कि मैंने आपको डिटेल सब्जेक्ट प्लान में भी कहा था। तो अब लास्ट के 28 days में, ये 25 days के लिए हमने प्लान बनाया है, तो जो लास्ट के 25 days है इसमें आप ये देख लीजिएगा कि ये टॉपिक आप जरूर कवर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं ये प्रीवियस 5 year के पेपर को देखते हुए हमने ये टॉपिक्स बनाए हुए हैं। ओके, तो जैसे आप पहले दिन स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, पढ़ने के लिए कुछ भी आपका सोर्स हो सकता है। देखिए, वहां से पढ़ना चाहिए जहां से आपको चीजें समझ आती हैं। कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं, पढ़ाने वाले का तरीका मैटर करता है या जहां से आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। चाहे बुक से पढ़े, वीडियो से पढ़े, कैसे भी आप पढ़े वो आपकी अपनी मर्जी है, बट उसको जल्दी से डिसाइड करके आप पढ़ना शुरू करें। तो इसको आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इसको कवर किया तो आप इसको टिक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर स्कीम्स को आप टिक कीजिए कि कितनी स्कीम्स आपने कवर की, 1 या 2 नंबर ऐसे भी आप दे सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट डे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, करंट एग्रीकल्चर आपने कौन से मंथ का पढ़ा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त जिस अभी आपने पढ़ा है। हमने कोर्स में भी सारे फोर्टनाइटली करंट एग्रीकल्चर अफेयर्स अलग से प्रोवाइड कराए हैं, PIB के अलग से हैं, एंड जनरल अवेयरनेस ESI का पूरा अलग है, ARD का पूरा अलग है। सिमिलरली ESI में आप देखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, सिमिलरली इसके करंट अफेयर्स टॉपिक, देन स्कीम, और इसको टिक करते हुए चलना है। जहां पे स्कीम्स है वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कौन सी आपकी कवर है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में मान लीजिए कि आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना कवर कर लिया, देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना कवर कर लिया तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका मुद्रा स्कीम रहता है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और अपना अकॉर्डिंगली आगे आप फिर उसको पढ़ सकते हैं। सो दैट की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जरूर रहे आपके एग्जाम से पहले। GA में क्या करना है, और ये क्वेश्चन हमेशा हर स्टूडेंट का होता है कि सर कितने महीने का हम पढ़े। तो देखिए, आपका एग्जाम सितंबर में है तो सितंबर के 7 days को हम छोड़ सकते हैं, अगस्त आपको पूरा कंप्लीट करना है, जुलाई, देन जून, और ये इसी रिवर्स ऑर्डर में जाना है, क्योंकि अगर कोई प्रेजेंट में चेंज हुआ होगा तो फिर आपको पुरानी चीज पहले याद ना हो जाए। अगर आप जून से चलेंगे तो मान लीजिए जून में जो सेकेंड थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया था आपको वो याद होगा, अगस्त में अभी थर्ड फोर्थ एडवांस एस्टिमेट भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है। तो पहले अगस्त और जुलाई से कवर कीजिए, BPDA को पढ़िए, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अफेयर्स करिए, और साथ साथ GA के MCQs। तो 4 days मतलब PIB, BPDA, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस अफेयर्स, करंट अफेयर्स और GA के MCQs। इससे आपका सिर्फ GA कंप्लीट नहीं होगा बल्कि आपका ESI भी कंप्लीट होगा। और देखिए, वहां पे जैसे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक है ना, ये अगेन रूरल डेवलपमेंट में भी रहता है। तो रूरल डेवलपमेंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मेजर पार्ट है। पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे तो ये भी रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ARD, ESI, GA के कई टॉपिक कॉमन होते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि GA पढ़े तो सिर्फ GA ही फायदा देगा।
और हर संडे को जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि दो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जिसने भी नहीं दिए हैं जरूर मॉक टेस्ट दीजिए, आपको ये भी पता चलेगा कि 8 सब्जेक्ट्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। देखिए हम सुनते बहुत बार है, आपने सुन लिया होगा ये 1000 बार वीडियोस में कि देखिए आपको टाइम अलॉटमेंट करना है, आप ये सोच भी लेंगे अपने मन में 50-50% हम लेके चलेंगे, बट जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं होगा। एक प्रिंसिपल है एक्सटेंशन में, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो आपको फॉलो करना है। देन सिमिलरली ये आपको ऐसे ही आगे कवर करना है। ये ध्यान रखिए, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट हार्ड डजंट मीन दैट इट इज इम्पॉसिबल। सो इट इज पॉसिबल, कंडीशन यही है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं और कितना टाइम इसको देते हैं। देन सिमिलरली 16 जुलाई को आप देख सकते हैं टाइप ऑफ सॉइल, फिर करंट एग्रीकल्चर, यहाँ पे हमने मेंशन किया है प्रॉपर इंटरवल में करंट एग्रीकल्चर, देन कुरुक्षेत्र में की आपको जस्ट समरी पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन फेज टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेज वन आपका होगा तो फेज टू हम आपको प्रिपेयर करा ही देंगे अच्छे से, तो उसकी कोई टेंशन आपको अभी नहीं लेनी है। देन इरीगेशन एग्रीकल्चर स्कीम्स फिर से कवर करना है, फार्म पावर एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर डेटा, हॉर्टिकल्चर डिटेल, सिमिलरली यहाँ पे भी टॉपिक, एंड इस वीक में पूरा का पूरा जून के PIB, जून का BPDI एंड जून का EBF। सिमिलरली आगे आपको इस टाइप से टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एनिमल हस्बेंड्री भी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम 3 to 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, ब्रीड्स एंड टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक से पूछे गए थे, जैसे मेल शीप को क्या कहते हैं तो राम कहते हैं, इस टाइप से बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज से आते हैं, फिशरीज के क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो एलाइड पार्ट है ये भी आपको कवर करना है। अभी भी मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर की बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आरके शर्मा चाहे निर्मला सुंडा है, आप पढ़ लिए कोई इशू नहीं है, बट ये देखिएगा कि टॉपिक सिर्फ आप यही पढ़ें, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेलेक्टिव स्टडी करिए, तो ना तो वो डिफिकल्ट लगेगा और ना ही वो एक बहुत हैवी आपको, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो डुएबल ही नहीं है। ईएसआई में भी सिमिलरली ये जितने भी टॉपिक है आपको इसी सीक्वेंस में कवर करने हैं, स्कीम्स पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि डायनेमिक पार्ट ईएसआई में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक में इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स तो है नहीं कोर्स में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके देन सिमिलरली आगे एग्रोफोरेस्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्लाइमेट चेंज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल क्रेडिट, नाबार्ड, ये जरूर पड़ेगा। रूरल क्रेडिट जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इस बार बजट में एग्रीकल्चर बजट में जो बजटरी एलोकेशन किया गया है फॉर द इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट वो कितना किया गया है, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट कितना इस बार दिया गया है फॉर एग्रीकल्चर, ये आपने कमेंट बॉक्स पे बताना है। ओके इससे भी आप देख सकते हैं कि बजट की कोई जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो पूछी जाती है वो आपको कितना पता है, नहीं पता है तो आप इसको आगे कवर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ईएसआई के टॉपिक है अप्रैल, देन फिर आप जून से फिर से आ जाएंगे जून में, एंड देन जुलाई, देन अगस्त में। ओके तो इस टाइप से 2 सितंबर तक ये 25 डेज आपके हो जाएंगे, तो इतना आप करते हैं तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए सफिशियंट है। देन उसके बाद 3 सितंबर, 4, 5, 6 को आपको रिवीजन पे ही ध्यान देना है, डेटा रिवाइज करना है, डेटा हमने यहाँ भी मेंशन किया है, और ये भी मैं आप सबसे बोलूंगा 20th अगस्त के बाद से ही आप डेटा को याद करना शुरू करें या फिर उसको बार बार देखना शुरू करें, क्योंकि अदरवाइज डेटा तो बहुत सारा होता है, आपको इंपॉर्टेंट चीज ही समझनी है, वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तभी समझ पाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है ना आप कभी पूछ सकते हैं, हमारा एक एग्री भी ग्रुप है टेलीग्राम पे जिसमें कि मैं खुद आंसर करता हूँ, तो आप लोग उसमें कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे शाम के टाइम पे रिप्लाई कर दूंगा, तो आप कभी भी अपना क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। 7 सितंबर को वो स्पेशल डे होगा, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, और एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे बेस्ट है, बट प्रिपरेशन करते टाइम ये ध्यान रखिए कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपको सब कुछ पढ़ना है, प्रिपरेशन करते टाइम मत सोचिएगा कि यू आर द बेस्ट फिर आप आगे पढ़ेंगे ही नहीं। ओके सो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे। सो दिस इज अबाउट दिस 25 डेज स्टडी प्लान, और ये डायनेमिक एग्रीकल्चर के टॉपिक है, ये स्टडी वाइज जो स्टडी प्लान हमने टॉपिक वाइज दिया था उसमें हमने मेंशन किया, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम आपको कवर करनी है, जैसे वहां पर हमने ARD स्कीम, ESI स्कीम लिखी थी, तो यहाँ पे हमने सारी स्कीम्स मेंशन की हैं, ये आप कवर करेंगे। जनरल अवेयरनेस का जनरली ये पैटर्न होता है जो हम लोग अपने कोर्सेज में ही फॉलो करते हैं, बाकी जो हमारे कोर्स में है तो जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ARD समरी मॉड्यूल्स लास्ट टाइम पे अगर आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि बहुत सारी डिटेलिंग हो रही है, ऑल्दो हमने सारी चीजें पहले ही बहुत कट शॉर्ट करी है, तो यहाँ पे हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, हमने एक बुकलेट दी है, बुकलेट के साथ साथ हमने स्पेशल अराउंड 300 क्वेश्चंस ARD के PDF फॉर्मेट एज वेल एज क्वेश्चन फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर समरी मॉड्यूल में अपलोड किए हैं, इसके तो ये आप करेंगे तो भी आपके लिए सफिशियंट है, और इसके साथ साथ करंट एग्रीकल्चर, ARD स्कीम्स, कुरुक्षेत्र मैगजीन और करंट एग्रीकल्चर डेटा रिपोर्ट्स, इतना सफिशियंट है। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे हर टॉपिक के अंदर आपको वीडियोस, चैप्टर टेस्ट,
मिल जाएंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट तो मैंने आपको बताया है, वो आपको करने ही करने हैं। कोर्स में आपको मोर देन 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उनको जरूर सॉल्व कीजिए। उसके अलावा चैप्टर टेस्ट है, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाबार्ड की एक्सपर्ट फैकल्टी एग्जाम भी में है, आप एनरोल करना चाहते हैं, या हमने ऑलरेडी 17 जुलाई से बैच स्टार्ट किया था, तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आपको उनको 2x करके भी देख सकते हैं, वो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। सो ये स्टडी प्लान की जो बुकलेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सो यू विल गेट 50% ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और जिसमें हमने 25 डेज का प्लान डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी डाउट क्वेरी है प्रिपरेशन करते टाइम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खासकर वर्किंग स्टूडेंट, आप बैंक में जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, आपको कोई भी इशू होता है आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।